सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज़। आज बात करेंगे यामाहा की तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू अपकमिंग FZX 250 के लॉन्च अपडेट्स। रिसेंटली यामाहा ने FZX को लॉन्च किया 150 सीसी रेट्रो सेगमेंट में। FZX को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि 150 सीसी रेट्रोस कैटेगरी में FZX फर्स्ट रेट्रो मोटरसाइकिल है इंडिया में। बट 150 सीसी से ज़्यादा 250 सीसी रेट्रो मोटरसाइकिल की काफ़ी डिमांड है, बट ऑप्शन कोई भी नहीं है इस टाइम 250 सीसी रेट्रो में। सो यामाहा सेम FZX के प्लेटफॉर्म पे न्यू FZX 250 को लॉन्च करने वाला है। मेन रीज़न जो कि FZX 250 को लॉन्च किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू FZX 150 के कंपैरिजन में, इस बाइक में आपको मोर पावर के साथ फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे एंड रेट्रो 250 सीसी मोटरसाइकिल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है एज़ कम्पेयर टू 150 सीसी के कंपैरिजन में। FZX 250 में आपको ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स इसमें आपको मॉडर्न देखने को मिलेंगे। FZX 250 का लॉन्च कब होगा, फीचर्स इस बाइक के साथ क्या कुछ ऑफर करे जाएंगे एंड इस बाइक का प्राइस कितना होगा, डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बाइक के रिलेटेड। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। FZX 250 के अगर हम न्यू चेंजेस की बात करेंगे, इस बाइक में आपको न्यू डिज़ाइन LED हेडलाइट मिल जाएगी विद LED DRLs एंड इसमें आपको बिगर फ्यूल टैंक भी देखने को मिलेगा। इस बाइक की लुक्स काफ़ी अग्रेसिव होंगी एंड इसमें आपको बिगर डिस्क ब्रेक का साइज भी देखने को मिलेगा विद ड्यूल चैनल ABS एंड इसमें आपको ड्यूल टोन कलर्स भी ऑफर करे जाएंगे। इस बाइक में आपको ड्यूल पर्पस टायर भी मिलेंगे एंड इसमें आपको पावरफुल इंजन भी देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको सॉलिड फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा। अगर हम FZX 250 के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इस बाइक में आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको FZ 25 में ऑफर किया जाता है। इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 249 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा एंड पावर इसमें आपको 20.8 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा एंड टॉर्क इसमें आपको 20.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलेगा। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 स्पीड गियर मिल जाएंगे। सीट हाइट इस बाइक की 810 mm की होगी, तो अगर आपकी मिनिमम हाइट 5'5" है आप इस बाइक को इजीली राइड कर लेंगे। अगर हम FZX 250 के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक एंड रेयर में इसमें आपको मोनोशॉक भी देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड रेयर व्हील का साइज इसमें आपको 17 इंचेस का देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक की बात करेंगे, फ्रंट डिस्क का साइज इसमें आपको 282 mm एंड रेयर डिस्क का साइज इसमें आपको 220 mm। अगर हम इस बाइक के ऑल ओवर फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको फुली LED न्यू हेडलाइट देखने को मिल जाएगी विद LED DRLs एंड इसमें आपको LCD डिजिटल मीटर कंसोल भी मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिलेगा। इसमें आपको सिंगल सीट भी देखने को मिल जाएगी विद टक एंड रोल डिज़ाइन एंड इसमें आपको न्यू अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी मिलेगा। इस बाइक में आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी मिलेगा विद रेयर ग्रैब रेल। अगर हम इस बाइक के ऑल ओवर मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वो आपको टोटली ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे जैसे इंजन, एग्जॉस्ट, हैंडल एंड अलॉय व्हील्स। टॉप स्पीड इसमें आपको 135 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिल जाएगी एंड ऑल ओवर एवरेज इस बाइक में आपको 38 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिलने वाली है। इस बाइक में आपको अपडेटेड रेट्रो लुक्स देखने को मिलेंगे एंड इसमें आपको बिगर इंजन साइज भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पावरफुल डिस्क ब्रेक भी मिलेंगे एंड इसमें आपको सॉलिड सस्पेंशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम FZX 250 के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 1,38,000 जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट होगा एंड इसका लॉन्च आपको 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं क्योंकि यामाहा इस बाइक को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाली है। सो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।